नमस्कार दोस्तों, देश के मौजूदा माहौल को देखते हुए मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है। इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है, फल नहीं आएंगे, अब शाखों पर बम आएंगे। राहत इंदौरी साहब की चेतावनी अब सच साबित होती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो मन में, दिल में, दिमाग में डर पैदा कर रही हैं। दिल दिमाग बार बार यही सवाल पूछ रहा है कि क्या यही वो भारत की तस्वीर है जिसका सपना हम सब ने देखा था? क्या हमारी आने वाली नस्लों को ऐसे ही भारत में रहना होगा जहां की बुनियाद नफरत और उन्माद होगी? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं प्राचीन रोमन साम्राज्य के एक कलंकित प्रथा की ओर। ग्लैडिएटर की कहानी सुनाते हैं आपको। ग्लैडिएटर एक तरह का हिंसक खेल होता था जिसका आयोजन सत्ता वर्ग अपनी प्रजा को खुश करने के लिए करता था। इस खेल में इंसान के इंसान से, जानवर की जानवर से या फिर इंसान की जानवर से खूनी भिड़ंत कराई जाती थी। खेल रूपी युद्ध में जैसे जैसे रक्त की धार तेज होती थी, स्टेडियम में मौजूद रक्त पिपाशु भीड़ उन्माद में नारे लगाती थी। खून देखकर उन्हें खुशी होती थी, आनंद मिलता था। नफरत और हिंसक उन्माद की ये चरम पराकाष्ठा होती थी। सत्ता वर्ग को इस खेल से खासा फायदा होता था। आम जनता अपनी वास्तविक समस्याओं को भूल जाती थी और वो खून देखकर खुश हो जाती थी। ग्लैडिएटर की इस हिंसक चाल, चेहरा और चरित्र पर नजर जमाते हुए आप अपने आसपास के आज के माहौल को देखिए, सोशल मीडिया को देखिए, देश की टीवी चैनल पर चलते हुए उन्मादी और भड़काऊ डिबेट को देखिए। हर जगह नफरत, हिंसा, उन्माद और जहरीले बोल। हम सबके आसपास एक ऐसी भीड़ जो आगजनी देखकर आनंदित होती है, जिसे खून देखकर खुशी मिलती है, बुलडोजर देखकर जो बुलंद आवाज में जहरीले नारे लगाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह रोमन साम्राज्य के हिंसक खेल ग्लैडिएटर में भीड़ लगाती थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? अपना जो हिंदुस्तान शांति, सद्भाव और भाईचारे के लिए पूरी दुनिया में विख्यात था, वो अचानक आग की लपटों में कैसे घिर गया? क्या ये केवल बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान का नतीजा है? मोदी सरकार के पिछले 8 सालों के कार्यकलापों को गौर से देखिए, आपको इस तरह के हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। देश के प्रधानमंत्री कब्रिस्तान के साथ शमशान बनाने की मांग करते हैं, कपड़े के रंग देखकर धर्म विशेष के लोगों को पहचानते हैं, उनका एक मंत्री गोली मारो, माफ कीजिएगा आगे नहीं कह सकता मैं, वो कहते हैं गोली मारो का नारा लगवाते हैं, दूसरा मंत्री गांधी के हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन करता है, तीसरा मंत्री खुलेआम अपने विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की बात करता है, चौथा मंत्री भीड़ को हमला करने के लिए सीधे सीधे बोलता है। बीजेपी की आईटी सेल हजारों कर्मचारियों की मदद से रोज जहरीले और नफरत से भरे फेक न्यूज सोशल मीडिया पर फैलाती है। बीजेपी के उद्योगपति मित्रों ने जो न्यूज चैनल खरीदे हैं, उन पर दिन रात हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। इतिहास के आईने में आज के कड़वे सच को छुपाने के लिए रोज एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। सच तो ये है कि हिंदुस्तानी आवाम को हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए जो कुछ भी हो सकता है, वो ये मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार कर रही है, जिसके मुखिया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। वक्त हम जैसे लोगों के लिए निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। गांधी जी का ये देश कुछ हिंसक प्रवृत्ति के लोगों के बहकावे में आकर कुछ वक्त के लिए ज़रूर गुमराह हो सकता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की बुनियाद में शुरू से शांति और सद्भावना रही है और आगे भी रहेगी। ज़रूरत बस इस बात की है कि हम सब निराशा के इस माहौल में उम्मीद की किरण जलाए रखें, अपनी गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए जो कुछ मुमकिन है उसे करें। नमस्कार।